चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा खत्म कर दिल्ली के अलावा सीधे बेंगलुरु इसरो वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे। ऐतिहासिक लैंडिंग पर इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने देश को नई ऊंचाई पर ले गए हैं। पीएम ने कहा कि यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है, ये मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और कार्यक्रम की शक्ति को दर्शाता है। चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 मिशन लैंड हुआ है उस पॉइंट को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन के स्पॉट को अब तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। पीएम ने इसरो में महिला वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए चंद्रयान 3 में उनकी अहम भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ और टीम के अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात की। चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचाई। प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया तो उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है उस पॉइंट को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जिस जगह चंद्रयान 2 पहुंचा था उस जगह का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के गंगापुर सिटी में सहकारी किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसान बजट 22,000 करोड़ रुपए रहता था, मोदी सरकार के आते ही ये बजट 6 गुना बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री लाल डायरी से बहुत डरते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर लाल डायरी में है क्या, आखिर अशोक गहलोत इससे डरते क्यों हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्याज की कीमतों को लेकर कहा कि किसानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फैसले से किसानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी किसान को कम दाम न मिले और इसके लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। दिल्ली में हुए B20 समिट में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ग्लोबल लेवल पर कुछ बड़ा किया जा सके। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ। तमिलनाडु के मदुरई स्टेशन पर पुनालूर मदुरई एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में भीषण आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। घायल यात्रियों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेन हादसे का कारण सिलेंडर का फटना माना जा रहा है। ये ट्रेन लखनऊ से रामेश्वरम जा रही थी। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना सुबह 5:15 पर हुई। अग्निशमन सेवाओं ने जल्दी पहुंचकर आग पर काबू पाया जिससे कि आग अन्य डिब्बों तक नहीं फैली और कोई अन्य नुकसान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर केंद्रित प्रथम एवं द्वितीय संस्करण पर पुस्तक का भोपाल में अनावरण किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने पुस्तक के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि इन किताबों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को शामिल किया गया है। किन भाषणों को शामिल किया जाए और किन को न किया जाए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि उनका हर एक भाषण एक संदेश देता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप सभी पुस्तक जरूर पढ़ें, पुस्तक बेहद प्रेरणादायी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में देश में व्याप्त वंशवाद और तुष्टिकरण की राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने लगाम लगाया है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पुस्तक विमोचन के मौके पर कहा कि चंद्रयान की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है, ये हमारे देश और युवाओं के सामर्थ्य को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के कैबिनेट में 3 नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। एक सादे समारोह में राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने तीनों विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में जिन 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उनमें विंध्य क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ला, महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन और बुंदेलखंड से राहुल लोधी हैं। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मंत्री राहुल लोधी ने कहा कि पार्टी ने हम पर जो भरोसा जताया है उस पर हम खरे उतरेंगे। हमारी प्राथमिकता होगी कि बुंदेलखंड को मजबूत किया जाए, उसके विकास के लिए काम किया जाए। वाराणसी में आयोजित G20 संस्कृत कार्य समूह और संस्कृत मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी बताते हुए कहा कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत में 2014 के बाद विदेशों से कई कलाकृतियों को वापस लाया गया, यह हमारे सांस्कृतिक गौरव का बोध कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृति और विकास को विरासत बताते हुए कहा कि संस्कृति देश के आर्थिक उत्थान के लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 संस्कृत कार्य समूह और मंत्रियों की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आज की बैठक बेहद अच्छी रही, संयुक्त घोषणाएं पूरी हुई, 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री का एक वीडियो संदेश सुनाया गया। वाराणसी में G20 कल्चर मिनिस्टर मीटिंग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि काशी को कल्चरल कैपिटल ऑफ कंट्री कहा जाना चाहिए। यहाँ से वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का एजेंडा निकलेगा जिसकी आवाज काफी दूर तक जाएगी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की जगतपुरी इलाके के एक होटल में 2 अलग अलग मामलों में 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अमरनाथ की छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी और साधुओं का एक समूह दशनामी अखाड़ा मंदिर श्रीनगर से बस में गुफा मंदिर के लिए रवाना हुए। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के सूरनकोट के जंगलों में संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। खुफिया जानकारी के आधार पर सूरनकोट के गंगा टॉप इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए अब राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी और हर थाने में साइबर सेल को सक्रिय किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की मांग पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन करने की तिथि को 31 अगस्त से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया है। राज्य में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा। मेघालय के सोनापुर में एक बार फिर हुए भूस्खलन के कारण NH6 अवरुद्ध हो गया है। इसके कारण फिर से मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा का देश के शेष हिस्सों से संपर्क टूट गया है। भूस्खलन के कारण NH6 सिलचर बदरपुर रूट पर मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि स्थानों के लिए जाने वाली गाड़ियों को कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा है, नहीं तो जाम के कारण कई किलोमीटर तक लंबी कतार लग चुकी है। मेघालय में लगातार हो रही बारिश के कारण से शुक्रवार देर रात ये भूस्खलन हुआ। शनिवार की सुबह सड़क पर से मलबा हटाने का कार्य जारी रहा, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सड़क पर से मलबा हटाने में काफी दिक्कतें हो रही। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पेशी पर लाए गए 2 कैदी घायल हो गए। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग करने के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं, वे बिहार के लिए दुर्भाग्य हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हालात ठीक नहीं है, जब कोर्ट परिसर के अंदर गोलीबारी हो रही है तो राज्य में कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगा। केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित एक प्रतियोगिता परीक्षा में धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और जालसाजी के मामले में हरियाणा के जिंद जिले से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। केरल पुलिस के इंस्पेक्टर हरिलाल ने बताया कि उन्होंने अपनी शर्ट के अंदर छिपे एक मोबाइल उपकरण के माध्यम से प्रश्न पत्र की नकल की
और इसे एप्लीकेशन के माध्यम से बाहर भेजा। कैमरा शर्ट के बटन छेद में रखा गया था, फिर उनके कानों पर हेडसेट का उपयोग करके उत्तर प्राप्त किए गए। हरियाणा के नूह में 28 अगस्त को फिर से निकाले जाने वाली ब्रज मंडल शोभा यात्रा को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। नूह के उपायुक्त धीरेन्द्र खटगड़ा ने बताया कि 27 अगस्त की रात 12 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रखी गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस स्कूल शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है जिसने छात्रों से अपने सहपाठी को थप्पड़ मारने का आदेश दिया था। मैं तो डिक्लेयर कर दिया, जितने भी मोमडन बच्चे इनकी मां चली जाओ। सही कह रहे जी, पढ़ाई खराब हो। देश में जनधन बैंक खातों की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय सचिव वित्तीय सेवा विभाग के विवेक जोशी ने ये जानकारी दी। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट को उपयोगकर्ताओं के लिए सहज इंटरफेस और नए मॉड्यूल के साथ नए रूप में लॉन्च किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 88% कर्मचारी पेशेवर विभाग के लिए स्किलिंग और रीस्किलिंग अपस्किलिंग को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि इससे बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई ने शनिवार को दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। पीयूष गोयल ने एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए कहा कि आपसी हित के प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, भारत अमेरिका साझेदारी को और गति देने के तरीकों पर चर्चा की। यूरोपीय संघ ने भारत में रूसी कच्चे तेल से बने परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की यूरोपीय बाजार में बढ़ती मांग पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे मॉस्को के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की अवहेलना है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में लगातार दो दिन गिरावट जारी रही। सेंसेक्स 365 अंक गिरा तो वहीं निफ्टी 19,300 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। 50 रुपए गिरकर 59,600 रुपए प्रति ग्राम सोने का भाव रहा तो वहीं चांदी 400 रुपए गिरकर 76,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में कमी आई। रुपया 13 पैसे गिरकर बंद हुआ। ये डॉलर के मुकाबले 82.69 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। दिल्ली में थोक बाजार में सरसों तेल, तिलहन और सोयाबीन के तेल के कीमतों में सुधार का रुख रहा। मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन, कच्चा पाम ऑयल और बिनौदा तेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं। BCCI ने अगले 3 साल के लिए IDFC फर्स्ट बैंक को टीम इंडिया के सभी घरेलू मुकाबलों की टाइटल का स्पॉन्सर घोषित किया है। BCCI के घरेलू मुकाबलों का स्पॉन्सर भी IDFC फर्स्ट बैंक होगा। BCCI और IDFC फर्स्ट बैंक के बीच अनुबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे विश्व कप से पहले होने वाले 3 मैच की सीरीज से प्रभावी हो जाएगा। विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अंतिम पंघाल ने 16 से 24 सितंबर को सर्बिया के बेलग्रेड में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल में जीत हासिल कर लिया है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में वे चुनौती पेश करेंगे। मनीला में इस साल क्वीन सर्किट कप में जीतने वाली बेंगलुरु की 16 साल की गोल्फर अवनी प्रशांत लेडीज यूरोपियन टूर में यहां शीर्ष 10 में पहुंच गई है। एशिया कप शुरू होने से पहले श्रीलंकाई टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसके 4 क्रिकेटर चोट और कोरोना के चपेट में चलते वनडे एशिया कप से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने एशिया कप से पहले यो-यो टेस्ट में कामयाबी हासिल की है। उन्हें 18.7 स्कोर हासिल किया है। विराट कोहली से वे आगे निकले हैं। जमैका की शेरिका जैक्सन ने बुडापेस्ट में जारी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 200 मीटर रेस का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। शेरिका ने 21.41 सेकंड में रेस को पूरा करके खिताब जीतने में सफलता पाई और विश्व चैंपियनशिप का रिकॉर्ड कायम किया। अमेरिका के नोट लाइल्स ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 19.52 सेकंड में रेस को पूरा किया। ईस्ट बंगाल FC ने गोकुलम केरल FC के खिलाफ 2-1 से कड़ी जीत के बाद डूरन कप 2023 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इंग्लैंड के मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम ने
81वें मिनट में विनर गोल करके रियल मैड्रिड को सेल्टा विगो में आसानी से हराने में और लालीगा में आसानी से अपने जीत के सिलसिले को बनाए रखने में मदद हासिल की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैट्रिक की बदौलत अल नासर ने अल फतेह को 5-0 से हराकर सीजन की अपनी पहली सऊदी प्रो लीग जीत हासिल की है। प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में चेल्सी ने ल्यूटन टाउन को 3-0 से हरा दिया। चेल्सी के फॉरवर्ड रहीम स्टर्लिंग ने 2 गोल दागे। चेल्सी ने ब्राजील के फॉरवर्ड डेविड वाशिंगटन को 20 मिलियन यूरो में अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई। आयुष्मान खुराना ने फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के साथ बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी की है। ड्रीम गर्ल 2 ने रिलीज के बाद शानदार शुरुआत की है। कल पहले दिन फिल्म ने 10.69 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म गदर 2 ने अपने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ को कायम रखा है। शुक्रवार को फिल्म ने 7.10 करोड़ की कमाई की। अभी तक फिल्म कुल 426 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। पंजाबी फिल्म मस्ताने ने कल रिलीज के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बॉक्स ऑफिस में इतिहास रच दिया। इसके सभी शो हाउसफुल चल रहे हैं। वाराणसी में रूसी फिल्म फेस्टिवल 2023 में दिखाए जाने वाले 5 रूसी फिल्मों का चयन हुआ। फेस्टिवल 25 से 27 अगस्त तक आयोजित किया गया। बॉलीवुड फिल्म मैंने प्यार किया के गीतकार देव कोहली का मुंबई में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। फिल्म 7 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने के बाद कृति सेनन परिवार के साथ सिद्धि विनायक मंदिर पूजा करने पहुंची। उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने 69वें नेशनल अवार्ड में आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिलने पर बधाई दी।